वेलकम टू इफेक्टिव नॉलेज पॉइंट। आज हम इंडस वाटर सिस्टम जो है उसको पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में ये एक सब टॉपिक रहता है जिसमें रिवर एंड ड्रेनेज आता है। इंडस वाटर सिस्टम में से, इंडस वाटर ड्रेनेज सिस्टम में से जो है कम से कम एक या दो क्वेश्चन आते हैं। आज हम इसी टॉपिक को फुल डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पंचनाथ रिवर जो है चिनाब, झेलम, रावी, बीर, सतलुज को पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में सिर्फ हम इंडस वाटर्स को पढ़ेंगे। देखो ये यहाँ से इसका सोर्स है मानसूर लेक तिब्बत में है, इसको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है, जंस्कार, नुब्रा, शिया, गिलगिट वगैरह ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको हम पढ़ेंगे। कौन सी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, कौन सी राइट ट्रिब्यूटरी है, वो भी हम पढ़ेंगे। आगे जाकर ये गिलगित से फिर चले जाता है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, फिर पाकिस्तान में जाकर ये मिथान कोट जगह पड़ती है पाकिस्तान में, वहाँ पर ये पंचनाद रिवर जो है झेलम, रावी, तवी, बीर, सतलुज ये मिलते हैं जाकर। उसके बाद ये इंडस वाटर सिस्टम का एक हिस्सा बनती हैं, ट्रिब्यूटरीज बनती हैं, फिर लास्ट में जाकर जो है ये अरेबियन सी में डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। तो ये आप मैप देख लेंगे पहले, इससे क्या है कि आपको एक माइंड सेट हो जाएगा कि ये रिवर कहाँ से कहाँ फ्लो जाता है। देखो शियाक है, फिर गिलगिट है, फिर स्वात, कुंजा, काबुल, ये जो है यहाँ पर मिलते हैं इसको। फिर यहाँ पर एक नीलम जो है ये प्रोजेक्ट है वो बनाता है, उसमें ये डिस्चार्ज होता है कुछ। उसके बाद ये गुमाल और जोब रिवर जो है इंदस का इसके साथ मिलता है। आगे जाकर मिथानकोट में अटॉक में जो है हम बात करेंगे, अटॉक में जो है चिनाब और रावी जो मिलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं इंडस वाटर सिस्टम के बारे में, इंडस द रिवर इंडस सिस्टम। ये जो है वर्ल्ड के जितने भी सबसे बड़े दरिया हैं उनमें से एक है, बहुत बड़ा बेसन और ड्रेनेज सिस्टम बनाता है। संस्कृत में इसको, संस्कृत या लैटिन में अगर हम बात करें, इसको नाम दिया गया है सिंधु। बहुत सारी ट्रिब्यूटरी से मिलकर ये लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बनता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। इंडिया ने भी इसी रिवर की वजह से नाम पाया है, यानी इंडिया का जो गॉट हर नेम इसी रिवर की वजह से इसे मिला है। इसी रिवर वैली पर एक दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब रहती है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको भी हम जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें इसको हम पढ़ेंगे। अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करें फ्रॉम सोर्स टू इट्स माउथ, यानी जहाँ से ये शुरू होता है, ओरिजिन जहाँ से होता है और जहाँ पर ये डिस्चार्ज अरेबियन सी में होता है, उसकी अगर लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ जो है इंडस वाटर की 2880 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, जिसमें से इंडिया में बहुत सारी बुक्स में 709 किलोमीटर लिखा गया है और कुछ एक बुक्स में जो है 1114 किलोमीटर लिखा गया है। तो आप 709 किलोमीटर जो है इंडिया में लाई करता है, यानी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस का संस्कृत या लैटिन वर्ड में क्या नाम है, कौन सी सिविलाइजेशन है जो इंडस रिवर पर के आसपास है, या इसकी टोटल लेंथ के बारे में पूछा जा सकता है, या इंडिया में इसकी टोटल लेंथ कितनी है। वह अक्सर जो है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऑप्शन 709 किलोमीटर होता है, तो आप इसी को सही मानकर चलेंगे। अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन इसका कहाँ से होता है, मानसूर लेक है जो तिब्बत में है, यह बोखरछू या सिंगी खम्बाब ग्लेशियर, दो वर्ड हैं, या बुखरछू है या सिंगी खम्बाब ग्लेशियर है, यहाँ मानसूर लेक के साथ ही है जो माउंट कैलाश जो है वहाँ के आसपास है, उसी पर है।
यहाँ से इसका वेस्टर्न तिब्बत में इसका ओरिजिन होता है। आपको ये भी आस्था है किस लेक से होता है या किस ग्लेशियर से होता है। अगर लेक का आता है तो मानसोर लेक, अगर ग्लेशियर आता है सिंगी खम्बाब ग्लेशियर या बुखारशु ग्लेशियर, अगर किसी माउंटेन की बात करता है तो कैलाश माउंटेन, ठीक है। अगर आपको किसी रीजन की बात करता है तो तिब्बत रीजन जो चाइना का पार्ट है उससे। एलिवेशन इसका है 5,180 मीटर। अगर एलिवेशन कहता है कि जो सिंग ये इंडस रिवर है कितने एलिवेशन से स्टार्ट होता है तो 5,180 मीटर जो है इसकी अबोदा सी लेवल, ठीक है। सोर्स जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर 257 257 किलोमीटर ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये इंडस रिवर जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसका सोर्स से किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी ये इस शक्ल में फ्लो करता है। बाद में जब गिलगित बल्तिस्तान पहुंचता है तो फिर ये सोदली डायरेक्शन, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करता है। ट्रांस हिमालयन रीजन इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसमें ये फ्लो करता है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बाब या लायन मोथ भी कहते हैं। सिंगी खम्बाब खम्बन या लायन मोथ, सिंगी खम्बाब अक्सर इसको कहते हैं सिंगी खम्बाब या लायन मोथ तिब्बत में। इंडिया में तो इसको इंडस कहते हैं या पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इसका जो पानी बहता है जो एरिया कवर करता है वो पाकिस्तान में, इसको लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। सिंगी खम्बाब तब तक इसको कहा जाता है जब तक ये दहार में पहुंचता है। दहार एक जगह है, वहाँ पर ये जब भी पहुंचता है तो या दहार ट्रिब्यूटरी है वहाँ, जब उसको ज्वाइन करती है तो वहाँ तक इसको सिंगी खम्बाब कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था चिनाब में, चिनाब जब ये निकलता है चंबा डिस्ट्रिक्ट से उसके पॉर्डर से होते हुए उसके बाद इसको चंबा, तब तक इसको बागारथी ये किसी दूसरे नाम से जो है चिनाब भी, चिनाब को दूसरा नाम दिया जाता है चांद्रा एंड बागा रिवर, ठीक है। जब ये पर में पहुंचता है किश्तवाड़ में तो उसके बाद इसका नाम चिनाब पड़ता है। इसी तरह से इंडस रिवर भी जब तक दहार में पहुंचता है, दहार ट्रिब्यूटरी से मिलती है तो तब तक इसको सिंधी खम्बाब के नाम से जाना जाता है, उसके बाद इसको इंडस रिवर कहते हैं। आगे हम अगर बात करें ये इसकी डायरेक्शन है जो लद्दाख और जंस्कार रेंज इनके बटवीन ये जो है फ्लो करता है। नॉर्दर्न साइड में इसका लद्दाख रीजन आता है, बीच में ये इंडस रिवर चलता है बीच में, तो उसके नीचे जो है जंस्कार रेंज आता है, ठीक है। लेह में जो है इसको ज्वाइन करता है जंस्कार रिवर। अगर क्वेश्चन आता है कि जंस्कार रिवर इसको कहाँ पर ट्रिब्यूटरी बनाता है तो लेह में, ठीक है। इसी तरह से द रिवर फ्लो अलॉन्ग द नॉर्दर्न फ्लंक ऑफ द जंस्कार रेंज, जंस्कार रेंज के नॉर्थ में, जैसे ये जंस्कार जंस्कार का माउंटेन है ये, तो इसके नॉर्थ में ये इंडस रिवर चलता है और इसके ऊपर जो है लद्दाख माउंटेन्स, ये लद्दाख माउंटेन्स इसके ऊपर पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझ आ गई इतना। अगर हम बात करें सुरूर द्रास रिवर जो ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बनाते हैं सुरूर द्रास, आप याद रखेंगे सुरूर द्रास। ये इंडस को कहाँ ज्वाइन करती हैं, करगिल में, करगिल रीजन जो है जहाँ पर करगिल वार भी हुआ था, तो उसमें जो है ये सुरूर द्रास रिवर लेफ्ट ट्रिब्यूटरी बनाते हैं। यानी ये जब रिवर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो हमें इस डायरेक्शन में रिवर चल रहा है तो इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ये नीचे वाली होगी और राइट ट्रिब्यूटरी ऊपर, यानी नॉर्थन साइड में राइट ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं, सदर्न साइड में लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं, ठीक है। तो सुरूर द्रास कहाँ से ज्वाइन करता है इसको, नीचे वाली साइड से, यानी सोद वाली साइड से ज्वाइन करता है, ठीक है। उसके बाद 50 किलोमीटर बिलो स्कार्दो, स्कार्दो भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है और जगह का नाम भी स्कार्दो है। 50 किलोमीटर स्कार्दो से नीचे शियाक रिवर, शियाक रिवर इसको ज्वाइन करता है, यानी इसकी ट्रिब्यूटरी बनती है शियाक रिवर, ठीक है। ये रायमो ग्लेशियर से इसका सोर्स है शियाक रिवर का, रायमो ग्लेशियर ये जो है इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनाता है शियाक, ये ऊपर वाली साइड से आता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम करेंगे ऑन द राइट बैंक मूविंग नॉर्थ वर्ड द इंडस जॉइन शियाक। देखो इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो शियाक है, उसके बाद नुब्रा है, शियाक नुब्रा एक ही, ये पहले नुब्रा जो है
शियाक के साथ मिलता है, शियाक से मिलता है, फिर शियाक जाकर इंदस रिवर से, जो मेन रिवर इंदस है उससे शियाक रिवर मिलता है। पहले ये नुब्रा रिवर शियाक से मिलता है, शियाक जाकर फिर इंदस में मिलता है, शियाक जाकर फिर इंदस में मिलता है। ये समझ आ गई, पहले क्या मिलेगा, नुब्रा शियाक के साथ मिलेगा, ये शियाक आती है इस साइड से, नुब्रा आता है, फिर जाकर ये दोनों रिवर जो है कहाँ पर मिलते हैं, जो हमारा इंदस रिवर सिस्टम है उससे मिलते हैं। ठीक है, दीज ट्रिब्यूटरीज राइज फ्रॉम द सियाचन ग्लेशियर। अब जो मैंने कहा था ये राइमो ग्लेशियर से शियाक निकलता है, वो भी क्या है, ये ऑफ शूट है इसका, सियाचिन ग्लेशियर। सबसे जो आउटर जो पोलर रीजन है उसके बाद अगर कोई ग्लेशियर सबसे बड़ा है तो वो सियाचिन ग्लेशियर है, उसी का ऑफ शूट जो है वो है राइमो या नुब्रा वगैरह सब चीज़ें। ये सब किस जगह किस रेंज में पड़ती हैं, काराकोरम रेंज में पड़ती हैं। ठीक है, ये आगे चलकर जब हम ग्लेशियर पढ़ेंगे उसमें हम इसको डिटेल्स स्टडी जो है करेंगे। स्कर्दो जो जगह है एट अ लिटिल डिस्टेंस बिलो द शियाक सिगर रिवर। अब स्कर्दो में एक रिवर आता है सिगर, वो भी इसकी ट्रिब्यूटरी बनाता है। वो कहाँ से निकलता है, स्लोप ऑफ द माउंट कैलाश काराकोरम, काराकोरम के टू जिसको हम काराकोरम कहते हैं, उसको इंदस काराकोरम में इंदस को ज्वाइन करता है। ठीक है, इंदस रीजन अब जब सिगर रिवर इंदस से मिलता है तो ये लद्दाख में, पहले लद्दाख से होता हुआ जाता है, तो जब ये स्कर्दो के साथ मिलता है, स्कर्दो में जो है सिगर रिवर मिलता है, तो इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी बढ़ जाती है, यानी इंदस रिवर इज़ मोर वाइडन देन इन लद्दाख। लद्दाख में जितना ये वाइड था उससे ज़्यादा आगे जो है ये आगे हो जाता है। ठीक है, मान लो ये पीछे लद्दाख रिवर में आ रहा है, लद्दाख में आ रहा था, आगे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक, यहाँ तक समझ आ गया आपको। आगे हम इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो गिलगित है, गोहटेंग है, दरास है, सिगर है, हुंजर ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। हम इसको लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस मेन क्वेश्चन जो है वो वहीं से आते हैं, या इसकी लेंथ पूछ लेते हैं, या इसका सोर्स पूछ लेते हैं, या इसका डिस्चार्ज कहाँ होता है, या इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पूछ लेते हैं, या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछ लेते हैं, इस तरह से आप याद रखेंगे। इसके बाद हम इसकी डीप गॉरेज जो है नंगा पर्वत से होता हुआ जाता है, ये जब अटॉक में पहुंचता है, अटॉक पाकिस्तान में एक जगह है, 610 मीटर जो है मीन सी लेवल से ये इसकी अल्टीट्यूड है, तो जब ये अटॉक में पहुंचता है तो इसकी जो माउंटेन जर्नी है वो अटॉक में जो है वो ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है माउंटेन जर्नी इसकी, कहाँ पर, अटॉक में। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि इंदस रिवर की जो है माउंटेन जर्नी कहाँ पर एंड होती है, तो वहाँ पर ऑप्शन होगा अटॉक, तो आपने इसको टिक करना है। ठीक है, इट जॉइन बाय काबुल रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से रिवर जो काबुल आता है उस वो भी इसको जॉइन करता है। देयर आफ्टर इट फ्लो थ्रू द पोटवार प्लेन, और उसके बाद साल्ट रीजन जो है पाकिस्तान में उस और पोटवार प्लेन वहाँ से भी होता हुआ ये गुजरता है। इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज बिफोर अटॉक, अटॉक से पहले कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, कोराम आती है, जुब गोमाल आती है, जुब अलग रिवर है और गोमाल अलग रिवर। ठीक है, टुच आती है जो, ठीक है, ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंदस को ज्वाइन करती हैं। मिथान कोट जो पाकिस्तान में जगह है वो अबाउट 805 किलोमीटर फ्रॉम द सी, जब ये डिस्चार्ज होने को होता है सी में, अरेबियन सी में, उससे 805 किलोमीटर, जहाँ पर एलिवेशन बनाता है 79। देखो पहले कहाँ से 5000, ये देखो हमारा इसका जहाँ से सोर्स चलता है 5180 मीटर की ऊंचाई से ये शुरू होता है, और आखिर में मिथान कोट में जाकर कहाँ पहुँचता है, उसके प्लान जो जगह है इसकी जहाँ पर ये प्लान्स में अपना जर्नी शुरू करता है वो है 610 मीटर की एलिवेशन पर, और जब ये मिथान कोट में पहुँचते पहुँचते इसकी जो एलिवेशन रह जाती है, इसकी ऊंचाई जो मीन सी लेवल से रह जाती है 79 मीटर रह जाती है। इंदस रिसीव द पंचनाद, पंचनाद जो है फाइव रिवर जो है जम्मू एंड कश्मीर के हैं वो इसको ज्वाइन करते हैं, जैसे जेहलम है, चिनाब है, रावी है, बीज है और सतलुज। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट नोट है
जो इंदस वाटर जो ट्रिब्यूटरी है, इंदस वाटर ट्रीटरी जो है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुहायदा हुआ है वाटर शेयर को लेकर, इंदस वाटर को लेकर, उसमें जो 19 सितंबर 1960 को ये हुआ था, उसमें क्या कहा गया है कि जो इंदस जेहलम और चिनाब, ये तीन रिवर हैं, इनका जो है इंडिया सिर्फ 20% जो है यूज़ कर सकता है वाटर का, ठीक है। इंडिया कैन यूटिलाइज ऑनली 20% ऑफ द टोटल डिस्चार्ज ऑफ द इंदस जेहलम और चिनाब। इंदस जेहलम और चिनाब का सिर्फ 20% जो है वाटर यूज़ कर सकता है। उसके बाद जो रहती है रावी, बीज और सतलुज, ये पूरे का पूरा इस आराम से इसको इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इसका पूरा वाटर इस शेयर इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। फाइनली द रिवर एम्प्टी इनटू द अरेबियन सी। तो ये इसका एम्प्टी कहाँ होता है, इसका मौत कहाँ है, अरेबियन सी, साउथ ऑफ कराची में, आफ्टर फॉर्मिंग अ बिग डेल्टा, बहुत बड़ा डेल्टा यहाँ बनता है, उसके बाद ये डिस्चार्ज हो जाता है अरेबियन सी में। अगर हम इसकी बेसिन की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिन ऑफ द वर्ल्ड, कवरिंग एन एरिया ऑफ 11,65,000 स्क्वेयर किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया है। जो ये बेसिन बनाता है वो जो है 11,65,000 स्क्वेयर किलोमीटर है, जिसमें से 321,284 जो है वो इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। 11,65,000 जो है टोटल इसका कैचमेंट एरिया है, जो ड्रेनेज करता है, बेसिन बनाता है। उसके बाद इंडिया में अगर बात करें, 321,284 स्क्वेयर किलोमीटर इंडिया में पाया जाता है। इंदस वाटर ट्रीटरी के तहत जो है 19 सितंबर 1960 को जो ट्रीटरी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, 20% वाटर जो है इंदस जेहलम और रावी का इस्तेमाल कर सकता है, बाकी रावी सतलुज और ब्याज का जो है वो पूरे का पूरा पानी इस्तेमाल कर सकता है। अगर टोटल डिस्चार्ज एरिया की, ड्रेनेज एरिया की हम बात करें, वो 11,78,400 440 स्क्वेयर किलोमीटर, और उसमें से जो है हिमालयन माउंटेन और फुट हिल में पड़ता है 453,250 स्क्वेयर किलोमीटर। उसके बाद बाकी पूरा दरिया जो है वो लाई करता है इंदस प्लेन और पाकिस्तान के दरमियान, ठीक है। पाकिस्तान में इसको लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। अब हम इसको देखेंगे ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। लेफ्ट बैंक पर ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक जो है वो इसको इंदस वाटर को मतलब जंस्कार रेंज वाली साइड से जो ज्वाइन करती हैं। आप अगर अपने हिसाब से देखेंगे, जैसे जो नीचे वाली साइड से यानी सोर्दम साइड से जो इसको ज्वाइन करती हैं, ये वाली पहले है जंस्कार, फिर शुरू है जेहलम, जो ये पंचनाद है ये भी इसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं, जेहलम रावी बियाज सतलुज। तो द्रास है, ये भी इसको, द्रास भी क्या बनाती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो सियाचिन ग्लेशियर वगैरह से होते हुए आते हैं, वो नुब्रा है, शियोक है, हुंजा है, गिलगिट है, सवात है, गोमाल है, सिगिर है, ये सब जो रिवर्स जो लद्दाख रेंज से होते हुए आती हैं, वो इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, ये इसका मैप रहा है। इसमें आप देख सकते हैं जंस्कार है, उसके बाद ये शियाक जो है, देखो पहले नुबरा जो है शियाक के साथ मिलता है, फिर शियाक जाकर आगे इंदस के साथ मिलता है, फिर गिलगित यहाँ पर मिलता है, स्वात देखो यहाँ पर ये इसको मिलता है, ठीक है। ये यहाँ पर जो है नीलम, ये डेल्टा क्या कहते हैं इसको, प्रोजेक्ट है नीलम रिवर, ये यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी फाइव रिवर्स ऑफ चिनाब, देखो यहाँ पहले बीज और सतलुज इंडिया में मिलता है, सिर्फ बीज और सतलुज इंडिया में, सिर्फ ब्याज और सतलुज मिलता है, ठीक है। ये इंडियन टेरिटरी ही में ज्वाइन कर जाते हैं, पंजाब में ही, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे ये जेहलम है, जेहलम जाकर ये चिनाब से मिलता है, फिर रावी आता है, रावी भी जो है चिनाब से थोड़ा, जेहलम से पहले, सबसे पहले जेहलम और चिनाब मिलते हैं, फिर रावी, क्योंकि जेहलम आगे चिनाब के नाम से जाता है, और यहाँ पर जो है रावी मिलता है, फिर आगे जाकर सतलुज मिलता है, फिर ये जाकर सभी रिवर्स मिथान कोड में लेफ्ट ट्रिब्यूटरी बनाकर मिलते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़
पूरी फुल डिटेल्स है, इससे आउट ऑफ तो कुछ मुझे नहीं लगता है कि आएगा इसमें। मोथ ओरिजिन, जैसे ये मैंने पढ़ाया था, मानसरोवर लेक है, सियाचिन ग्लेशियर है, अटॉक है वगैरह, ट्रिब्यूटरी जितनी है, ये रेंजेस जितनी है, सिंगी खम्बा ग्लेशियर के बारे में पढ़ाया, ये सब चीज़ें जो है आपको कवर अप कर दी हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।